एमसीडी के चुनाव में आज आईपीएल के क्रिकेट मैच जैसा एक रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिला। आखिरी वोट गिनने के बाद ही विजेता का फैसला हुआ। ये मुकाबला छतरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनीता तंवर और आम आदमी पार्टी की पिंकी त्यागी के बीच हुआ। तंवर सिर्फ 2 वोट से जीती। आपने हजारों वोटों से नेताओं को जीतते देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी प्रत्याशी से जिन्होंने सिर्फ 2 वोट से जीत हासिल की है। अनीता तंवर छतरपुर के वार्ड नंबर 70S से बीजेपी की प्रत्याशी थी। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी की पिंकी त्यागी से था। वोटों की गिनती हुई तो अनीता तंवर को 8,415 वोट मिले, जबकि आपकी पिंकी त्यागी को 8,413 वोट मिले। इस तरह अनीता तंवर महज 2 वोट से चुनाव जीत गईं। ये 2 वोट मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर जैसे ही बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, जनता जनार्दन, बस 2 वोटों से जीत गई। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी। 2 वोट मेरी 2 लाख के बराबर होती इस टाइम। अनीता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो 2 वोट से जीत गई हैं। यकीन तो आम आदमी पार्टी की पिंकी त्यागी को भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जीत के इतने करीब आकर भी जीत उनके हाथ से फिसल गई। मेरी हार नहीं हुई है, क्योंकि मेरे साथ छल हुआ है और छल किया है विदुड़ी जी ने। मुझे अंदर बुलाया गया कि आप आइए, साइन कर दीजिए। फिर मैंने जैसे ही पेन उठाया तो एक मैडम थी, उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेशन बोला कि आप 35 वोट से जीत गए, मुबारक हो। उस बीच में तभी एकदम आवाज़ आती है कि आप अभी साइन ना करें, दोबारा पोलिंग। आरोप ईवीएम में गड़बड़ी के लगे, लेकिन अनीता का कहना है कि आप वालों का तो काम ही है आरोप लगाना। मैं भी देखो वहीं पे थी, 2-3 बार काउंटिंग भी की गई है, सब हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एलिगेशन तो देखो पहले से ही केजरीवाल लगाते आए हैं, तो वो अब भी लगाएंगे। चुप बैठने वालों में से तो है नहीं वे। फिलहाल पिंकी त्यागी जहां 2 वोटों से अपनी हार पछा नहीं पा रही हैं, वहीं अनीता तंवर के घर पर खुशियों का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।